दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में सबको हम बताने वाले हैं कि मेरा राशन 2.0 ऐप से फैमिली मेंबर का नाम ऐड होना शुरू हो गया सभी राज्यों का। तो किस तरह घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से आप किसी भी सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं बिना CSC सेंटर जाए, बिना डॉक्यूमेंट जमा किए, बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों कैसे आपको जोड़ना है इस वीडियो में पूरा कम्प्लीट आपको मैं बताने वाला हूँ और आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह आपको को फिलअप करना है। आपको प्ले स्टोर पे आना है और आपको सर्च करना है मेरा राशन। यहाँ पर सर्च करते आपको मेरा राशन आपको ऐप देखने मिल जाएगा। अगर आपके पास पुराना वाला ऐप होगा तो आपको यहाँ पर उसको अपडेट कर लेना है, आपको भी देखने मिलेगा मेरा राशन 2.0। आपको इसको डाउनलोड करने आपको इसको ओपन करना है। ऐसे इंटरफेस ओपन होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बेनिफिशियरी यूजर, तो आपको इसी पे सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर दोस्तों आधार नंबर डालना है। आधार नंबर आप किसी मेंबर का डाल सकते हैं, जिसका भी नाम राशन कार्ड में उसके नाम से आपको लॉगिन आईडी बना लेनी है। आधार नंबर डालना है और यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। अब आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे दोस्तों, और आपको 4 डिजिट का MPIN बना लेना है। कैसे इसका यहाँ पर लॉगिन आईडी बनाते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो हमने अपना लॉगिन आईडी बना लिया है, यहाँ पर जो हमने एमपिन को बनाया है वो एमपिन डालेंगे और सत्यापित करें पे क्लिक कर देंगे। इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको राशन कार्ड की पूरी डिटेल देखने मिलेगी। अब राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, मैनेज फैमिली डिटेल्स पे। तो राशन कार्ड में जितने मेंबर ऐड होंगे पूरी डिटेल आपको देखने मिलेगी। अब नया नाम जोड़ने के लिए आपको ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नो स्टेप में ये फॉर्म फिलअप होगा, पहले आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। अब जिसका भी नाम आपको राशन कार्ड में जोड़ना है उनका इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। जो आधार कार्ड पे नाम रहेगा वही नाम आपको डालना है। यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ को डालना है, एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर मदर नेम डालना है, यहाँ पर फादर नेम डालना है और यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पर अनमेरिड है या मैरिड आपको सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी आप सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी देनी है और आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जनरल डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना है तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे। अगर नहीं बना तो आप इसे छोड़ सकते हैं, दोनों बॉक्स को छोड़ सकते हैं। अगर आप मनरेगा में काम करते तो आप इस बॉक्स पे टिक करना होगा। अगर आप नहीं करते तो इस बॉक्स पे आपको टिक नहीं करना है। अगर आपका आधार कार्ड बना है तो आपको आधार नंबर डालना है, स्टार मार्क लगा हुआ आपको यहाँ पर फिलअप ही करना होगा, उसका आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आपको प्रोफेशनल डिटेल डालनी पड़ेगी, आप क्या काम करते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नॉट अवेलेबल यहाँ पर बताएंगे, बच्चे का नाम ऐड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चा कोई काम तो करता नहीं है। आपको यहाँ पर एनुअल इनकम डालनी पड़ेगी, 1 साल की एनुअल इनकम आपको डाल देनी है, उसको आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। स्टेप इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है कास्ट कैटेगरी पे, आपको अपनी कास्ट को सिलेक्ट करना होगा, जनरल की है या दोस्तों आपकी बैकवर्ड क्लास है या आपकी शेड्यूल क्लास है या आपकी ST क्लास है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको रिलेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हेड ऑफ फैमिली से क्या आपका रिश्ता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सभी रिलेशन आपको देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। उसका साइज भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, 500 KB की होना चाहिए साइज। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। स्टेप में आपको बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, अगर आपका खाता खुला है तो आपको इस पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट नंबर और यहाँ पर आपको बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और IFSC कोड आपको डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका खाता नहीं खुला है, किसी बच्चे का आप यहाँ पर जोड़ लेना, तो आपको इस पे टिक करना है। आपको कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं आपसे पूछा जा रहा है कि मेंबर को किसी प्रकार से फिजिकली डिसेबिलिटी है, इस बॉक्स पे आपको टिक करना है और आपको सभी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। देख सकते हैं नीचे यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, अटैच डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बर्थ सर्टिफिकेट को देने वाले हैं, सिलेक्ट कर देंगे।
अब यहाँ पर दोस्तों आपको बर्थ सर्टिफिकेट का आपको नंबर देना होगा और बर्थ सर्टिफिकेट का भी इशू हुआ था उसकी डेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसको अपलोड कर देना है। 500 KB उसका साइज यहाँ पर दे सकते हैं, बताया गया है PDF में, JPG में, JPG में और PNG में होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में क्या देना है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, आधार कार्ड का आपको नंबर डालना है, आधार कार्ड का भी इशू हुआ था उसकी आपको डेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है, उसका आपको नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे क्या देना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स का अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अलग अलग अपलोड करना है, सेम एक ही डॉक्यूमेंट सब में अपलोड नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या देंगे, पैन कार्ड को हम देने वाले हैं, आपको पैन कार्ड का नंबर देना है, पैन कार्ड कब इशू हुआ था उसकी डेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और पैन कार्ड को आपको अपलोड करना है। दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करेंगे उस पर आपको सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर हुआ ही अपलोड होगा यहां पर। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर लास्ट हमारा स्टेप है, आपको स्क्रॉल करना होगा, इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर एक बॉक्स आपको मिलेगा, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, OTP डायल को आपको फिलअप कर देना, आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको फैमिली मेंबर को ऐड करना है और फॉर्म को फिलअप करना है। अब दोस्तों कैसे इसको ट्रैक करना है, चलिए हम बैक चलते हैं। स्टेटस को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा ट्रैक माई राशन, अगर दोस्तों आपको सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर अपने यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा और आपको यहीं से स्टेटस देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार का आप ऑनलाइन किए हो यहीं से आप स्टेटस को चेक कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों अगर मेरी वीडियो को पसंद है, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पे, बाय।